हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा, हम लोग पढ़ केसेस है ना। तो बच्चों बताओ, किस उनके फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। बताओ किस जिनोन के फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। XCF2 एंड XCF4 दोनों के रिडॉक्स है। डिस्प्रोपोर्शन टाइप होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, किस रिडॉक्स है, किसका नॉन रिडॉक्स है बच्चों बताओ। XCF6 का नॉन रिडॉक्स का डिस्प्रोपोर्शन कौन सा दिखाता है, डिस्प्रोपोर्शन कौन दिखाता है। XCF4 याद होगी, रिएक्शन सारी याद होगी। अच्छा, जब ये जिनोन के जो हेलाइड्स हैं, जिनोन के जो ये फ्लोराइड्स हैं, तो मेटल के फ्लोराइड के साथ ये करवाता हूँ, जब मैं इनको मेटल के फ्लोराइड के साथ, ये मेटल से क्या करते थे, लेते थे या देते थे, मेटल से क्या कर लेते थे, गेन या डोनेट। मेटल से ये गेन कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे। और नॉन मेटल के फ्लोराइड से क्या करते थे, नॉन मेटल के फ्लोराइड को ये डोनेट करते करते थे ना। याद आ गया, ये मैंने पढ़ाया बच्चों कल, ठीक है। आज अपन आगे चलते हैं बच्चों। कल मैं आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिखा रहा था, आप लोगों को अगर याद हो तो, ठीक है ना। मैं कल आप लोगों को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिखा रहा था, कुछ मॉलिक्यूल्स की मैंने सिखाई थी आप लोगों को, है ना। आपके एनसीईआरटी में दे रखी है बच्चों, आप अगर साथ साथ में आपने एनसीईआरटी खोल कर रखते हो तो आपको पी ब्लॉक आपका साथ साथ में कवर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी भी रख सकते हैं पास में, है ना। अब देखिए बच्चों, सुनिए, देखिए बच्चों सुनो, हमारे पास एक कंपाउंड XCOF4, एक कंपाउंड है XCOF4। हमें इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बतानी है बच्चों, XCOF4 की स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोलिसिस। तो कैसे बताएंगे बच्चों बताओ। देखो, जिनोन के वैलेंसी शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन है और 4 फ्लोरीन है। देखो, 4 फ्लोरीन को तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, कर दिया बच्चों मैंने 4 फ्लोरीन को ऐसे कनेक्ट। फिर क्या बची, एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, पता है ना। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाती है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अब बताओ बच्चों, इसमें देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है। देखो, फाइव सिग्मा प्लस वन लोन पे है कि नहीं। 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। आप मुझे बताओ बच्चों, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर का मतलब समझ गए। 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर का मतलब समझ गए। बोलो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या थी। sp3 d2। अभी sp3 d2 आप अगर जानते हो तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। sp3 d2 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है क्या। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में हमारे पास एक लोन पेयर है। अब देखो इसको कैसे रखेंगे अपन, समझते हैं। बता दीजिए, ये जीनोन है। मैंने क्या किया बच्चों, देखो सुनो, ये 4 फ्लोरीन मैंने ऐसे रख दी, एक ऑक्सीजन मैंने ऐसे रख दिया। या एक काम करते हैं, देखो ऑक्सीजन ऊपर की साइड रख लेते हैं, लोन पेयर मैंने नीचे की साइड ऐसे रख दिया बच्चों, ऐसा कर दिया मैंने। जिनोन के साथ 4 ऑक्सीजन फ्लोरीन और एक ऑक्सीजन मैंने इस तरह से रख दी बच्चों। अब एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं, स्ट्रक्चर कैसी हुई बताओ, इसकी स्ट्रक्चर कैसी हुई, क्योंकि स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल हो गई क्या।
की होगी, स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा, अगर कोई बच्चा केमिकल बॉन्डिंग की क्लास अटेंड नहीं कर रहा है तो मैं ये लेक्चर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप है ना उस यूट्यूब पे जाके केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल को जरूर देख लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको नहीं आती तो बच्चों आप बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, ध्यान रख लेना। आप अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो यूट्यूब पे मैं ये लेक्चर डाल रहा हूँ, उनको जरूर देख लो, आपको बहुत हेल्प करेगी, पी ब्लॉग में तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आप। हाँ बेटा, ये समझ में आया, ये समझ में आया, अरे समझ में आया क्या नवाबो? ठीक है, चलो आप बताओ। ये मेरे पास XeO2F2, ये बताओ XeO2F2 में देखो जिनोन है, जिनोन के पास टोटल, अब देखो बच्चों क्या है, आपके पास दो तो फ्लोरीन है, मैं बच्चों दो तो फ्लोरीन है एंड दो क्या है ऑक्सीजन है, ये देखो बच्चों ये कर दिया मैंने, दो फ्लोरीन दो ऑक्सीजन का, बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए इसके पास, क्या हो गए, चार सिग्मा और एक लोन पेयर, ये है चार सिग्मा और एक लोन पेयर, मतलब फाइव, यानी कौन सी आ गया इससे, sp3d आ गई है, sp3d आ गई। sp3d की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है बच्चों बताओ, sp3d की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब एक चीज बताओ बच्चों, ये एक लोन पेयर है और इस स्ट्रक्चर में ट्राइंगल बन रहा है, तो मैंने आपसे क्या बोला, अगर ट्राइंगल बने ना तो लोन पेयर को आप कहाँ करो, ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखना होता है, बताया था मैंने आप लोगों को, बताया था, इस लोन पेयर को मैंने यहां पर रख दिया, रख दिया। बाकी देखो बच्चों क्या करेंगे अपन, ये ऑक्सीजन मैंने यहां रख दी, ये ऑक्सीजन मैंने यहां रख दी, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, इसी स्ट्रक्चर को देख के बताओ बच्चों ये कैसी दिख रही है आप लोगों को, इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ, ये आप इसको ऐसे समझो, देखो ये देखिए बच्चों, समझ में आ रहा है, ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, याद करो आप पार्क में जाते हो शाम और ऐसा कुछ झूला होता है, एक होता है क्या, सीसो हो गया, बोलो बच्चों सीसो शेप होगी, सीसो, बोलो बच्चों समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ओके बेटा, अब देखो बच्चों सुनो, ये बताओ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए ये जिनोन है, जिनोन के वैलेंसी सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन को अपन ऐसे कनेक्ट डबल बॉन्ड से, और ये एक लोन पेयर है, 3 ऑक्सीजन और एक लोन पेयर है बच्चों, है तो मुझे बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, इस स्टेट क्या है, sp3 आई। अच्छा एक इसकी खास बात देखो, ये क्या है, इसमें सिग्मा भी 3 है और पाई भी 3 है, चेक करो, 3 सिग्मा एंड 3 पाई है कि नहीं है, देखो सिग्मा भी 3 है एंड पाई भी 3 है, दिख रहा है, ये क्वेश्चन आ चुका है, अब बताओ बच्चों
sp3 की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? sp3 की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है ना, टेट्राहेड्रल होती है बेटा। sp3 की बेसिक स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस तरह से देखो बेटा, सुनो, ये कैसी स्ट्रक्चर आ गई, ये कैसी स्ट्रक्चर आ गई बच्चों बताओ? ये आ गई आपकी पिरामिडल स्ट्रक्चर। आगे क्या पिरामिड जैसा दिख रहा है? अमोनिया, याद करो अमोनिया की स्ट्रक्चर बनाई थी आप लोगों ने ऐसी। अमोनिया में भी ऐसे होता है NH3, इसकी जगह HHH और एक लोन पे, ये कैसी स्ट्रक्चर होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी बच्चों। अच्छा बच्चों बताओ, क्या XeO3 एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है क्या? क्या XeO3 एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है क्या? बच्चों क्लास का टाइमिंग चेंज हो चुका है, जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं पता है क्या, क्लास का टाइमिंग 5 बजे हो चुका है। विधि चौधरी, क्लास का टाइमिंग 5 बजे से है बेटा। हाँ भैया, ये एक्सप्लोजिव होता है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनर्ट गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां हो सकता है, 0 से लेकर 8 तक हो सकता है क्या? इनर्ट गैसेस नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 8 हो सकता है क्या? 0 तो कोई बॉन्ड नाम नहीं, और 8 क्यों? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, NH2NP6 होते हैं क्या बच्चों? मैं ऐसा कह सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेस कहां से हो सकती है? 0 to 8 हो सकती है बच्चों, 0 to 8 हो सकती है, हो सकती है। तो बच्चों बताओ मुझे XeO3 इसमें जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? XeO3 इसमें जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? +6 आ रहे हैं, +6 आ रहा है। आप मुझे बताओ +6 जो है वो कहीं बीच में होगा, 0 और 8 के कहीं बीच में ही आएगा? +6 0 और 8 के कहीं बीच में ही आएगा। बीच में आने के कारण बच्चों ये दोनों साइड जा सकता है ना, बीच वाला दोनों साइड जा सकता है ना। मैं अभी बोर्ड के बीच में खड़ा हूं, मैं इधर भी जा सकता हूं और मैं इधर भी जा सकता हूं, जा सकता हूं ना, बीच वाला दोनों साइड जा सकता है ना बच्चों बताओ, जा सकता है ना। तो दोनों साइड जा रहा है, मतलब अगर +6 से +8 की तरफ गया तो होगा ऑक्सीडेशन, और +6 से 0 की तरफ गया तो क्या हुआ? रिडक्शन। इधर राइज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, तो उसी का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो सकता है। इसको क्या कह सकते हैं? तो क्या बोल सकते हैं बच्चों, को क्या बोल सकते हैं? डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? अरे इसको डिसप्रोपोर्शन बोल सकते हैं बच्चों, समझ में आया? डिसप्रोपोर्शन क्यों बोला? आप किसी रूम के बीच में खड़े हो, तो रूम के बीच में खड़े हो तो आप इधर उधर दोनों साइड जा सकते हो ना, रूम की एक दीवार के पास खड़े हो गए, अब आप उस दीवार से आगे तो नहीं जा सकते ना, तो दीवार को तोड़ के थोड़ी जा रहे हो, दीवार को तोड़ सकते नहीं, तो वापिस आपको उधर चलना पड़ेगा। लेकिन बीच वाला तो कहीं भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो समझ में आया क्या? समझ में आई बात मैंने क्या बोला? तो लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर चौधरी समझ में आ गया? हाँ भैया लिखो, XeO3 सोर्स SHOWS सोर्स डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन
इस प्रोपोर्शन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, इस प्रोपोर्शन रिएक्शन इन बेसिक मीडियम देखो बच्चों, मेरे पास ये XeO3 है, इसके दो मोल लिए बच्चों मैंने, और बेसिक मीडियम में देखो क्या होगा, सुनो। इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, या तो उसका ऑक्सीडेशन हो और या उसका रिडक्शन हो, यही होता है, मतलब उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो सकता है। अभी यहां पर जिनोन प्लस सिक्स में ऑक्सीडेशन होने से जिनोन का क्या हो सकता है, प्लस सिक्स में किस में जा सकता है, ये प्लस एट में जा सकता है ना, प्लस एट में जा सकता है। देखो बेटा क्या मिला, XeO4 ये मिला। अब मुझे ये कंफर्म है कि होगा तो जिनोन के ऑक्सीडेशन होगा तो जिनोन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। आपको एक बात पता रखनी चाहिए, और कोई भी ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, ना ये बनता है ना ये मिलता है नेचर में। तो अब बताओ बच्चों, ये तो हो गया प्लस एट वाला, रिडक्शन में ये दोनों बनेंगे नहीं, ये तो मिलते ही नहीं नेचर में, तो फिर खुद जिनोन ही मिलेगी, एंड साथ में क्या मिलेगा बच्चों बताओ, साथ मिल गया O2, साथ में क्या मिल गया O2 मिल गया। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, बोलो बच्चों। देखो प्लस सिक्स से प्लस एट क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, प्लस सिक्स से जीरो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। जेई 2014 है ना, जेई एडवांस 2014 में क्वेश्चन आया था कि एल्काइन मीडियम में XeO3 के डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन से कितने गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं बताओ। एल्काइन मीडियम में XeO3 के डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन से कितने आपके गैसेस प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखाऊं क्या, ये क्वेश्चन दिखाऊं, एक मिनट रुको मैं दिखाता हूं आप लोगों को। वेट बच्चों मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट बेटा मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन। देखो ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है, अंडर एम्बिएंट कंडीशंस द टोटल नंबर ऑफ गैसेस रिलीज एज प्रोडक्ट इन द फाइनल स्टेप ऑफ द रिएक्शन स्कीम XeF6। बच्चों बताओ XeF6 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बना था, XeF6 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बना था, याद है क्या, XeF6 के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बना था, याद है क्या, XeO3 बना था बच्चों, XeO3 एंड साथ में लिखा है अदर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट का मतलब एक ही प्रोडक्ट है, एंड दैट इज HF,
तो XeO3 देखो बेसिक मीडियम में दिख रहा है, और साथ में आपको पूछ रहा है कितने गैसेस प्रोडक्ट बने, एंड ऑप्शन चेक करो बच्चों क्या दिख रहा है। ऑप्शन बच्चों दिख रहा है आपको 2, 0, 1, 2, 3। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया नवाबों? तो देखो ये बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, आया हुआ है ना, समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया बोलो। चलिए ओके, ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं बेटा अपन, ठीक है ना। तो अब अपन आगे बात करेंगे, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, देखो बेटा सुनो। हो गया बेटा, हो गया बच्चों? चलिए एक दो काम की चीजें और बताता हूं मैं। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए ये बच्चों मेरे पास XeO3 है, ये मेरे पास SO3 है। जब मैंने इसको पानी पिलाया तो बच्चों बताओ, जब आप SO3 को पानी पिलाते हो तो क्या मिलता है? H2SO4 मिलता है क्या? मिलता है। तो इसको मिलाने पे क्या मिलेगा? H2XeO4 मिलता है, मिलता है बच्चों? मिलता है क्या? इसको बोलते हैं बच्चों जैनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? जैनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं आप याद करो? सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया? SO3 को वाटर में डिजोल्व करने पर ये मिलता है, तो XeO3 को डिजोल्व करने पर ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों इस जैनिक एसिड की स्ट्रक्चर देखिए, देखते हैं बच्चों। देखो बेटा इसमें ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपका OH, ये OH। जिनोन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों बताओ? जिनोन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जिनोन इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, तो जिनोन के वैलेंसी सेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने काम आ चुके देखो, 2, 2, 4, 2, 6, यानी इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा क्या? ऊपर एक लोन पेयर होगा क्या? होगा क्या बच्चों? होगा क्या बोलो? होगा बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, एक चीज बताओ मुझे, मैं आपसे क्या बोलूं कि इसमें देखो 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो एवरी सेट आ गई sp3d, आ गई क्या sp3d? आ गई sp3d। अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ गई तो इसका क्या होगा बच्चों बताओ? इसका होगा एक लोन पेयर आ रहा है बच्चों, एक लोन पेयर आज हमने रखा था, कौन सी स्ट्रक्चर बनी थी बच्चों बताओ? सीसो से बनी थी क्या? सीसो बनी थी क्या बच्चों बोलो? अरे बनी थी नबाबों, ठीक है। समझ में आया बच्चों जैनिक एसिड? जैनिक एसिड समझ में आया? एक बात हो बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड के एनायन को क्या बोलते हैं आप? सल्फ्यूरिक एसिड के एनायन को क्या बोलते हो? सल्फेट। सल्फ्यूरिक एसिड के एनायन को क्या बोलते? सल्फेट। तो जेनिक एसिड के एनायन को क्या बोलोगे? जीनेट बोलेंगे क्या? क्या बच्चों बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड का होता है SO4-2, उसको बोलते हो सल्फेट। तो इसके एनायन को क्या बोलेंगे? जेनिक एसिड के एनायन को जीनेट, दैट इज जीनेट आयन, ठीक है बच्चों? है बच्चों, आया समझ में? नोट कर लिया सबने?
आगे चलो बच्चों, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बच्चों, सुनो ये बच्चों मेरे पास, इसको जानते हो क्या? इसको बोलते हैं परजेनिक एसिड, इसको बोलते हैं परजेनिक एसिड। देखो एक कब लगता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जेनिक में तो आई थी प्लस सिक्स, उससे भी अगर ज्यादा आ जा रहे हैं तो अपन पर लगाते हैं। फिर यहां पर का मतलब ध्यान रखना कोई इसमें परोक्साइड लिंकेज नहीं है, ठीक है ना? यहां पर जेनिक एसिड में कोई भी ऐसी परोक्साइड लिंकेज नहीं। मैं स्ट्रक्चर बताता हूं, सुनो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो बच्चों बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आप लोगों को, जरा गौर फरमाइए कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आप लोगों को इसमें? सिक्स दिख रहे हैं क्या? सिक्स सिग्मा बॉन्ड। कार्बोक्सिलेट क्या आ जाएगी? sp3d2 आ जाएगी क्या? आ जाएगी क्या sp3d2 आ जाएगी? लोन पेयर कोई है नहीं तो क्या ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा क्या? अच्छा आपको पता है क्या बच्चों परोक्साइड बॉन्ड कौन सा होता है, जानते हो क्या? परोक्साइड बॉन्ड ये होता है, देखो आपका ये OO-1-1 होता है। आपको कहीं पर इसमें परोक्साइड बॉन्ड दिख रहा है? मैं कहीं पर परोक्साइड बॉन्ड दिख रहा है? कई बच्चे क्या करते हैं नाम के कारण इसमें परोक्साइड बॉन्ड बना देते हैं, नहीं है बच्चों। ये पर इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट करता है, ये पता है क्या? ये पर क्या इंडिकेट कर रहा है? इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं नंबर ऑफ परोक्साइड लिंकेज, बोलो बच्चों क्या है? जीरो है ना, इंपॉर्टेंट है। यहां जो ये पर वर्ड है वो क्या दिखा रहा है? वो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा रहा है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखा रहा है, परऑक्साइड लिंकेज नहीं है बच्चों, ध्यान रख लेना। यहां से बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहां से बच्चे बहुत गलती करते हैं बेटा, समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों समझ में? समझ में आ गया प्यारे बच्चों? ठीक है, अब बताओ बच्चों ये परजेनिक एसिड है, इस आयन को क्या बोलेंगे बच्चों, बताओ फिर? परजेनिक एसिड के आयन को क्या बोला जाएगा? तो बोलते हैं परजिनेट आयन। परजिनेट आयन बोलते हैं, इसको कौन सा आयन बोलते हैं? परजिनेट आयन बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना? अच्छा एक चीज बताओ, ये परजेनिक एसिड जो है वो बड़ा खास है, क्या खास है बच्चों, पता है क्या आप लोगों को? आपको पता है क्या बच्चों? आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये फ्लोरीन से भी तगड़ा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब फ्लोरीन से भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको बताऊं क्या? आपको ये चीज मैं बता सकता हूं, एक मिनट रुको, आपको मैं ये चीज दिखाता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि परजेनिक एसिड जो है ना वो फ्लोरीन से भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसमें वो टेबल होगी तो मिल जाएगा, है नहीं इसमें टेबल, तो आपको एक बात है नहीं इसमें टेबल, है ना?
ये बात मैंने आप लोगों को पहले कभी कहीं बताई थी, मैंने आपको ये बोला था कि पर जेनिक एसिड का जो एसआरपी होता है, पर जेनिक एसिड का एसआरपी, आप आपके पास अगर एनसीईआरटी है ना, अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी एकदम लास्ट में जाओ, देखो एसआरपी की टेबल बनी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल बनी हुई है, उस टेबल में देखो पर जेनिक एसिड फ्लोरीन से भी ऊपर है, चेक करो है क्या। देखो जिस बच्चे के पास एनसीईआरटी है अभी, जो एनसीईआरटी लेके बैठा है, वो चेक करो कि उसमें पर जेनिक एसिड का एसआरपी फ्लोरीन से ज्यादा दे रखा है क्या। पर जेनिक एसिड का दे रखा होगा 3 एंड फ्लोरीन का दे रखा होगा 2.87, देखो है क्या। अरे बेटा एनसीईआरटी में है इसीलिए बता रहा हूं यार, है बच्चों। तो एक काम करो, एक पॉइंट लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के, पॉइंट लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल के, लिखो बच्चों। लिखिए परजेनिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट ऑफ नेचर, परजेनिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट ऑफ नेचर। आगे लिखो it has more SRP than fluorine. it means it can cause oxidation of fluoride ion F-. It can cause oxidation of fluoride ion into F2, fluoride ion into F2. ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जो फ्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन कर सकता है, मतलब जो F- इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। बाकी दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि कोई F- आयन से इलेक्ट्रॉन ले ले, किसी की औकात नहीं है बच्चों, समझ में आया। अरे बच्चों समझ में आया क्या बोलो। ठीक है ओके, आगे चले बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, देखो बेटा मैं जनरली क्या कर रहा हूँ, ये जो आपके जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लेना, मैं इसके वीडियो रेगुलरली यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो आपके अगर छूट जाए तो लेना। अच्छा आप में से कोई भी बच्चा जो रेगुलरली सारे नोट्स अच्छे से लिख रहा है, ठीक है ना, वो एक काम किया करे, जब भी इसको टाइम मिले सारे नोट्स की ना स्कैन करके फोटो खींच के मुझे सेंड कर दे, मैं उसको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ताकि अगर किसी बच्चे को मान लो कोई छूट भी जाए वो देख के लिख ले, ठीक है ना। कोई बच्चा जो अच्छे से नोट करता हो, सीनियर हो, रेगुलर हो, है ना, तो जब भी उसको टाइम मिले वो मुझे सेंड कर दे, मैं ग्रुप में सेंड कर दूं, ठीक है ना। चलिए बच्चों।
एनी डालो क्लेथरेट और केज कंपाउंड, क्लेथरेट और केज कंपाउंड, ठीक है ना। तो क्लेथरेट और केज कंपाउंड क्या होते हैं, देखो बच्चों सुनो, नाम से पता लग रहा होगा, केज मतलब पिंजरा, जानते हो। देखो बच्चों मेरे पास ये कंपाउंड है, और देखो बच्चों इनके बीच में इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है, बोलो बच्चों। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से देखो बच्चों क्या हुआ, इन दो मॉलिक्यूल के बीच में केज जैसी स्ट्रक्चर जनरेट हो गई, हो गई ना, केज जैसी स्ट्रक्चर जनरेट हो गई बच्चों, हो गई क्या। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे आपका जिनोन एटम है वो इसके अंदर ट्रैप हो गया, बीच में आके ट्रैप हो गया, तो ये जो ट्रैप हुआ ना, इसी ट्रैप होने से जो ये स्ट्रक्चर बनी, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लेथरेट और केज कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लेथरेट और केज कंपाउंड बोलते हैं। समझ आएगा क्या बच्चों, ये जो बीच में जो ये कैविटी जनरेट हुई, कैविटी में ये आ गया। समझ में आया बच्चों, अरे समझ में आया क्या, बोलो बच्चों आ गया। तो लिखो बच्चों, लिखिए लिखिए, लार्ज साइज नोबल गैसेस एटम, लार्ज साइज नोबल गैसेस एटम एटम्स आर ट्रैप्ड TRAPPED, लार्ज साइज नोबल गैसेस एटम्स आर ट्रैप्ड in the cavities of solid organic compounds, in the cavities of solid organic compound, resulting in the formation of case compound, resulting in the formation of case compound, ठीक है। लिख लिया बच्चों, लिख लिया क्या, आगे लिखो, हीलियम एंड नियॉन नेवर फॉर्म केज कंपाउंड नेवर फॉर्म केज कंपाउंड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। क्या बेटा, क्या बच्चों, समझ में आया बेटा। चलो अब आप हेडिंग डालो बच्चों, यूजेस ऑफ नोबल गैसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोबल गैसेस का जो यूजेस है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। इनर्ट गैसेस का यूजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो पहला लिखो बच्चों,
हाँ बताओ बच्चों। ठीक है बच्चों, आप मुझे बताओ बच्चों, आपने हॉट एयर बैलून देख रखे हैं? हॉट एयर बैलून देख रखे हैं? हॉट एयर बैलून, मेट्रोलॉजिकल बैलून्स, या जो वेदर के ऑब्जर्वेशन के लिए जो बैलून्स काम आते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों बताओ? उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन या हीलियम? हाइड्रोजन या हीलियम? हाइड्रोजन नहीं भरते। क्यों नहीं भरते बच्चों हाइड्रोजन? हाइड्रोजन क्यों नहीं भरते बच्चों? हाइड्रोजन आपको पता होगा बच्चों, आपको पता होगा खतरनाक है, इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है, वो आग पकड़ सकती है बच्चों, है ना, वो आग पकड़ सकती है। तो लिखो बच्चों, देखिए देखिए, हीलियम इज सेकंड लाइटेस्ट, हीलियम इज सेकंड लाइटेस्ट एंड नॉन इनफ्लेमेबल गैस। हीलियम इज सेकंड लाइटेस्ट एंड ए नॉन इनफ्लेमेबल गैस। सो इट इज यूज्ड इन हॉट एयर बैलून्स एंड इन वेदर ऑब्जर्वेशन बैलून, एंड इन वेदर ऑब्जर्वेशन बैलून। आपको पता होगा बच्चों क्या करते हैं, जो आपके वेदर का जो फोरकास्ट करते हैं पहले से बताते हैं ना, आप कभी न्यूज में सुनते होगे ना कि भैया राजस्थान में आज बारिश आएगी, या आज आंधी चलेगी, या येलो अलर्ट है, ये ब्लू अलर्ट है, ऐसा आता रहता है बच्चों, रेड अलर्ट है। तो वो क्या करते हैं बच्चों, बैलून्स के अंदर हीलियम भर के छोड़ते हैं, वो काफी हाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, हाइट पे जाने के बाद वो वहां का टेम्परेचर, वहां की ह्यूमिडिटी का क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि भाई कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी टेम्परेचर है, क्या है, उसी के बेसिस पर हमें वो बताते हैं कि भाई आज बारिश हो सकती है, आज छींटे पड़ सकते हैं, आज मूसलाधार बारिश, आज इतनी गर्मी पड़ेगी, होता है ना बच्चों? बोलो बेटा। अरे न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे। इस साइंस को क्या बोलते हैं बच्चों जानते हो क्या? इस साइंस को क्या बोलते हैं बच्चों जानते हो? तो बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल साइंस, है ना, वेदर जो साइंस होती है उसको क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिकल। लिख लीजिए इसको, लिखो बच्चों, METEORO, METEORO, मिटेरो हो गया, आगे लिख लो लॉजिकल, ये तो हो गया मिटेरो, लॉजिकल LOGICAL, मिट्रोलॉजिकल साइंस। हाँ भैया आगे लिखो, हीलियम इज ऑल्सो यूज्ड इन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अच्छा बच्चों बताओ, इस दुनिया में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? इस दुनिया में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हीलियम का होता है। तो आपको पता होगा बच्चों, हीलियम का यूज अपन अल्ट्रा लो टेम्परेचर, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे जाके लिक्विफाइड होगा ना, तो अगर अपन उसको लिक्विफाइड कर दे तो अपन एक तरह से अल्ट्रा लो टेम्परेचर जनरेट कर पाएंगे। तो लिखिए बच्चों, लिक्विड हीलियम, लिक्विड हीलियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस
वेरी लो टेम्परेचर टू प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर. क्या बेटा आगे लिखो. हीलियम इज यूज्ड Helium is used in the formation of powerful, powerful, powerful superconducting magnet, powerful superconducting magnet, powerful superconducting magnet. Which is used in MRI. MRI सुना होगा बच्चों. MRI तो सुना होगा ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सुना होगा ना. MRI सुना होगा ना, मेडिकल साइंस में MRI, एक्सरे MRI सुनो. तो MRI में इसका यूज होता है बच्चों. अच्छा अच्छा, एक बात हो बच्चों, आपको याद है क्या कि हीलियम का यूज डीप सी डाइवर्स भी करते हैं. याद है क्या, हीलियम का यूज डीप सी डाइवर्स भी करते हैं. इसका यूज अपन ने एज ए डाइल्यूटिंग एजेंट के तौर पर किया था. याद है क्या, याद है बच्चों, डाइल्यूटिंग एजेंट के तौर पर किया था ना. तो लिखिए बच्चों, ये मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, mixture of helium and oxygen is used by mixture of helium and oxygen is used by deep sea divers, deep DEEPCSEA, deep sea divers. Deep sea divers. हो गया बच्चों. हो गया बेटा. अच्छा अब देखो बच्चों, नियोन का यूज किसमें किया जाता है. आप लोगों ने बच्चों साइन बोर्ड और देखे बेटा, कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप मार्केट में जा रहे हो रात के टाइम में, कुछ लाइट्स से जलती हुई दिख रहा होगा, किसी का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी नाम, आपको दूर से ऐसे लाइट दिखती होगी, ठीक है ना, उसमें नियोन का यूज होता है बच्चों. साइन बोर्ड और होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट में और काम आते हैं, देखा होगा आप लोगों ने. तो लिखिए बच्चों, नियोन इज यूज्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब. Discharge tube, comma, signboards, SIGN, signboards for advertisement. लिखो लिखो, neon bulbs are used in botanical garden and greenhouse. neon bulb समझते हो बच्चों, neon bulbs are used in botanical garden and greenhouse. आगे लिखो बच्चों, लिखिए नेक्स्ट लिखो बच्चों, AR,
organ is used to produce inert atmosphere in pyrometallurgy. ये pyrometallurgy क्या होती है बच्चों, पता है क्या? Pyrometallurgy क्या होती है पता है क्या? High temperature का use, याद है क्या? High temperature का use करते हैं अपन for the extraction of metal, याद है? याद आया बच्चों? ठीक है, अब बच्चों बताओ रेडॉन का यूज कहां होता है, बता सकते हो? रेडॉन का यूज क्या होता है? रेडॉन का यूज होता है, आपको पता, रेडॉन रेडियो एक्टिव नेचर की है, इसका यूज होता है कीमोथेरेपी में, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो लिखिए रेडॉन आरएल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन कीमोथेरेपी. ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको इनके यूजेस बता दिए सारे, बट हाँ, यूजेस इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल इनसे क्वेश्चन आया हुआ है यूजेस से. आप इवन तो जेई एडवांस का भी पेपर उठा के देखोगे ना, तो जेई एडवांस के पेपर में भी इनर्ट गैसेस की यूजेस से क्वेश्चन आए हुए हैं. बड़ा ही ताजुब वाला है कि यहां से क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहे हैं. ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा ग्रुप 18 कंप्लीट हो गया, मतलब अपन ने पी ब्लॉक की एक फैमिली कर ली है बच्चों. पी ब्लॉक की एक फैमिली हमने कंप्लीट कर ली है. अब आओ बच्चों नेक्स्ट ग्रुप 18 के बाद अब अपन कौन सा ग्रुप, बताओ ग्रुप 18 के बाद अपन कौन सा करेंगे? उल्टा चल रहे हैं पता है ना, ग्रुप 17 या जिसको अपन बोलेंगे 7th ए ग्रुप, है ना? ग्रुप 17 और 7th ए, ग्रुप 17 और 7th ए. ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन बात करते हैं. बच्चों देखो सुन, सबसे पहला फैमिली मेंबर्स ये होते हैं, देखो बच्चों एफ सी एल डी आर आई और ए टी है बच्चों, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एनस्टेटीन. ये ए टी होता है एनस्टेटीन, ए टी क्या होता है एनस्टेटीन. ठीक है, अब बच्चों बताओ मैंने आप लोगों को एक मैजिक नंबर बताया था 288 18 18 32, याद है क्या? कितने एलिमेंट दिख रहे हैं बच्चों बताओ, कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आप लोगों को? 1 2 3 4 5. तो कितने मैजिक नंबर यूज लेने हैं? मैंने आपको क्या बोला था, जितने एलिमेंट दिख रहे हैं उससे एक कम नंबर में लेने हैं. पांच दिख रहे हैं तो चार ही काम में लेंगे. अब चार कौन से काम में लोगे, इधर से काउंट करो 1 2 3 4, मतलब ये चार काम आएंगे आपके. इन दो को छोड़ दो 2 और 8 को, इनको छोड़ दो, ये काम के नहीं हमारे. देखो फ्लोरीन का 9 9 में 8 का एडिशन करो 17 17 में 18 का 35 35 और 18 53 53 और 8 32 85. आगे है क्या? आगे बच्चों इनका, अब देखो बच्चों आपको पता होगा कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों गैसेस फेज में मिलता है, ये लिक्विड फेज में मिलता है,
और ये दोनों सॉलिड फेज में मिलते हैं नेचर में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप किस सेंस में बताओ, किस सेंस में इंटरेस्टिंग है? देखो ऑल थ्री स्टेट्स आर प्रेजेंट है ना बच्चों, तीनों की तीनों फिजिकल स्टेट आ गई ना। आगे बच्चों तो लिखो बच्चों, ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स आर प्रेजेंट, ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। है बच्चों, अब बताओ बच्चों इनका कॉमन नेम क्या है, इन एलिमेंट्स को कॉमनली क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं ना बच्चों, हेलोजेंस लिखो, हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी, जो सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी रखते हो ना उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन हेलोजेंस बोलते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। अच्छा आप बताओ बच्चों, बेस्ट सोर्स ऑफ हेलोजेंस क्या होता है बच्चों, पता है क्या? सी वाटर, समुद्री जो जल है ना, समुद्र का पानी, वो इसका सबसे बेस्ट सोर्स होता है बच्चों, वो इसका सबसे बेस्ट सोर्स होता है। सी वाटर इसका सबसे बेस्ट सोर्स है। अरे सोल्ट कहां मिलते हैं बच्चों बताओ? सी वाटर सोल्टी होता है कि नहीं होता है? सी वाटर सोल्टी होता है कि नहीं होता है नवाबो? बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? अब एक बताओ बच्चों, आप लोगों ने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो आपने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि एक ग्रुप के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या होती है, सिमिलरिटीज होती है कि नहीं होती है? ग्रुप के एलिमेंट्स के जो एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है ना, तभी उनको एक ग्रुप में रखते हैं अपन। अरे रखते हैं क्या, एक ही ग्रुप में रखते हैं ना। तो बच्चों बताओ पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मैक्सिमम सिमिलरिटीज दिखाते हैं? बताओ पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स मैक्सिमम पूरी पीरियोडिक टेबल में? तो लिखो, ठीक है भैया, हेलोजेंस रिप्रेजेंट, हेलोजेंस रिप्रेजेंट मैक्सिमम सिमिलरिटीज मैक्सिमम सिमिलरिटीज विद ईच अदर इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूरी पीरियड टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है, पूरी पीरियड टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसके एलिमेंट्स मैक्सिमम सिमिलरिटीज दिखाते हैं? तो दैट इज हेलोजेंस। चलिए अब हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो बच्चों मेन कंपाउंड्स, इनके मेन कंपाउंड्स क्या क्या है? देखो बच्चों एक है सी एफ टू, इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? फ्लोर स्पार बोलते हैं क्या?
को बच्चों बोलते हैं क्या, फ्लोर स्पार बोलते हैं क्या, बोलते हैं बच्चों? ये अभी कहीं क्या थोड़े टाइम पहले, ये अभी कहीं यूज आया था क्या थोड़े टाइम पहले? एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में यूज आया था, याद करो, न्यूट्रल फ्लक्स के तौर पर एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने में काम आया था, आया था। फिर देखो बच्चों Na3AlF6 इसको क्या जानते हैं, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट, बोलते हैं क्या इसको, क्रायोलाइट बोलते हैं बच्चों। ये दोनों कंपाउंड यूज आए थे याद करो, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पान आए थे ना। फिर देखो बच्चों KCl MgCl2.6H2O, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट, क्या बोलते हैं बोलते हैं क्या कार्नेलाइट? किन दो मेटल का सोर्स है बच्चों बताओ, कार्नेलाइट से कौन कौन से दो मेटल ऑब्टेन किया जा सकते हैं? देखो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम किए जा सकते हैं बच्चों। फिर देखो क्लोरोएपेटाइट, ये लिखो बच्चों ये क्या है, देखो ये फ्लोर स्पार है, ठीक है ना बच्चों, फ्लोर स्पार के साथ कैल्शियम फॉस्फाइट है, इसको अपन बोलते हैं फ्लोरोएपेटाइट। ये आपको पता होगा बच्चों क्या होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ रोक्स, जो रोक होती है ना चट्टाने, चट्टानों का ये मेन कंपोनेंट होता है बच्चों, रोक का ये मेन कंपोनेंट होता है। हो गया भैया, हो गया बच्चों, चलिए बच्चों तो अब अपन बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालो बच्चों जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज, हैलोजेंस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है वो अब हम लोग चेक करेंगे, हैलोजेंस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या है वो हमें अब चेक करना है। सबसे पहला जनरल प्रॉपर्टीज में लिखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलो बच्चों क्या होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ये होगा क्या NS2NP5 एक कम हो जाएगा हेलोजन से, अपन हेलोजन से इधर शिफ्ट हुए तो एक कम हो जाएगा, बोलो बच्चों बताओ हो जाएगा। फिर आओ बच्चों देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो एटॉमिक रेडियस, नेक्स्ट लिखो एटॉमिक रेडियस, आप बताओ बच्चों एक पीरियड में सबसे छोटा साइज किन का होता है, एक पीरियड में सबसे छोटा साइज किन का होता है, हैलोजन्स का होता है पता है क्या, एक पीरियड में सबसे छोटा साइज, आप जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं इधर से इधर, इधर से इधर चलता है याद हो गया, जेड इफेक्टिव राइज करता है, जेड इफेक्टिव राइज करता है तो साइज डिक्रीज करता है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, पढ़ा है ना,
तो लिखिए बच्चों, लिखिए इन ईच पीरियड, इन ईच पीरियड हैलोजन्स हैव, हैलोजन्स हैव स्मॉलेस्ट साइज, हैलोजन्स हैव स्मॉलेस्ट साइज ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ हैलोजन्स, बोलो बच्चों क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगा हैलोजन्स का, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा ना ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पर। देखो बच्चों एफ सी एल बी आर आई करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बच्चों, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी, लिखिए लिखिए इन ए पीरियड हैलोजन्स हैव, इन ए पीरियड हैलोजन्स हैव सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आफ्टर इनर्ट गैसेस। अब बताओ ये पीरियड में मैक्सिमम तो किन का होता है? इनर्ट गैसेस का। इनर्ट गैसेस के बाद दूसरी रैंक किन की आती है? हैलोजन्स की आती है। सेकंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आफ्टर इनर्ट गैसेस। आगे लिखो डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। हो गया बच्चों? चलिए ये लिख लिया बेटा, लिया। नेक्स्ट देखो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। लिखो, लिखिए बॉइलिंग बीपी एंड एमपी डिपेंड्स अपॉन एंड एमपी डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। अब देखो बच्चों सुनो, जो वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स है आपको पता है क्या बच्चों? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मॉलिक्यूलर वेट के। जानते हो क्या वांडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स? मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। तो आप मुझे बताओ, अगर अपन Fe2Cl2Br2I2 की बात करें तो देखो बच्चों क्या होगा, जैसे आप इधर जाओगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा
तो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो बीपी एंड एमपी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, बीपी एंड एमपी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको पता है बेटा ये कौन सा नंबर का चैप्टर चल रहा है आपका बुक का? अपन ओवरऑल कौन से नंबर के चैप्टर पे पहुंच चुके हैं बताओ? चैप्टर नंबर 7 पर पहुंच चुके हैं, सॉलिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक सरफेस केमिस्ट्री मेटलर्जी और ये पी ब्लॉक 7। इसके बाद फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर बच रहे हैं? 2 ही चैप्टर बच रहे हैं आपके। और ऑर्गेनिक में मैंने नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म भी करवा दिया आपको, क्लासिफिकेशन भी करवा दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैं करवा चुका हूं, पता है आप लोगों को, पता है ना। तो ऑलमोस्ट 50% सिलेबस मैं करवा चुका हूं आपको, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हो गया आपका बच्चों। चलो नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया ठीक है बच्चों, बाकी कर लेते हैं।